हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सुपर ऑक्साइड यानी कि O2- और डिसम्यूटेज का मीनिंग है डिसप्रोपोर्शन, यानी कि यह ऐसा एंजाइम है जो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कैरी करेगा। जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है वो टॉक्सिक होता है और ऑक्सीडेटिव मेटाबोलिज्म का बाई प्रोडक्ट होता है। जो सुपर ऑक्साइड आयन है उसको ये एंजाइम H2O2 और O2 में कन्वर्ट करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया कि डिसम्यूटेज यानी कि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन कैरी करेगा। ये जो सुपर ऑक्साइड आयन होता है इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1/2 होती है, और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन होता है। ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये H2O2 और ऑक्सीजन में बदल जाता है, और जो H2O2 को हम बोलते हैं परोक्साइड, परोक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है -1 और ऑक्सीजन में होती है 0, यानी कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 थी, -1/2 से ये -1 में बदल गया, ये तो हो गया इसका रिडक्शन, और -1/2 से ये 0 में बदल गया, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। और जो H2O2 है वो भी टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, तो H2O2 को फर्दर दो एंजाइम होते हैं, कैटालेज और परोक्साइडेज। ये एंजाइम H2O2 को O2 और H2O में बदल देंगे। इन दो एंजाइम्स के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम था इसकी डिस्कवरी की थी इरविन फ्रीडोविच एंड जोई McCord ने। ये दो ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वहाँ इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई थी। और इस एंजाइम का जो सोर्स है वो है हनीड्यू, कैंटालूप मेलन, वीट, कॉर्न, ब्रोकली एंड कैबेज। ये जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है ये तीन टाइप का होता है, मतलब ये तीन टाइप सिर्फ मेटल सेंटर इनमें अलग अलग होता है, बाकी इन सब का एक ही काम होता है। तो टाइप 1 में आता है कॉपर जिंक एसओडी, एक होता है मैग्नीज एसओडी, एक होता है आयरन एसओडी। जो कॉपर जिंक एसओडी होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, इसको हम बोविन एसओडी के नाम से भी जानते हैं। और जो मैग्नीज एसओडी होता है और आयरन एसओडी, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। मेनली हम कॉपर जिंक एसओडी को पढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास दो कॉपर सेंटर, मतलब दो मेटल साइट होती हैं, एक तो कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है और जिंक 2 पॉजिटिव में। अब जो कॉपर की ज्योमेट्री होती है वो डिस्टोर्टेड स्क्वेयर पिरामिडल होती है, यानी कि इसके 5 लिगेंड्स हैं इसके साथ। कॉपर के साथ 3 तो हिस्टिडीन रेजिड्यू लगे होते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। और जो जिंक होता है, जिंक की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जिंक के यहाँ 4 लिगेंड होते हैं, 3 तो हिस्टिडीन रेजिड्यू होते हैं और एक एस्पार्टिक एसिड ऑक्सीजन से बाइंड करता है। और जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन एक बेसिक अमीनो एसिड है, इसके पास एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दो अमीनो ग्रुप होते हैं, इसलिए यह बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आता है। तो ये यहाँ कॉपर के बारे में लिखा है। जो कॉपर है उसकी डिस्टोर्टेड स्क्वेयर पिरामिडल ज्योमेट्री है, इसके 4 तो इमिडाजोल हिस्टिडीन नाइट्रोजन एटम, यानी कि जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड है ये पूरा हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, इसमें एक इमिडाजोल रिंग होती है। इमिडाजोल रिंग में ये जो नाइट्रोजन होता है ये कॉपर के साथ बाइंड करता है। ये जो इमिडाजोल रिंग होती है ये एरोमेटिक इन नेचर होती है, तो इस नाइट्रोजन एटम के साथ यह बाइंड करता है। अब आ गया जिंक। जिंक की जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, इसके साथ 3 तो हिस्टिडीन रेजिड्यू लगे होते हैं और एक एस्पार्टिक रेजिड्यू लगा होता है। जो कॉपर है, कॉपर का काम है फंक्शनल, मतलब यह फंक्शनली इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो इस एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और जो जिंक है वो स्ट्रक्चरली इम्पोर्टेंट होता है,
यानी कि इसका मतलब कैटालिटिकल एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से ज़रूरी होता है, ये स्ट्रक्चर बनाने में इसकी हेल्प करता है। अब ये यहाँ पर लिखा है, जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन कॉपर इज रिमूव्ड है। अगर हम कॉपर को रिमूव कर दें तो इस एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। और जो जिंक होता है वो स्ट्रक्चरली इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम अदर आयन्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कैडमियम और कोबाल्ट। अगर हम यहाँ कैडमियम और कोबाल्ट को रख दें तो भी इसकी एक्टिविटी पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। अगर इस कॉपर को ही ख़त्म कर दें हम तो फिर यह इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, इस कॉपर की जगह कोई और आयन नहीं ले सकता। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कॉपर है इसका फंक्शनल रोल होता है, इसकी वजह से ये कैटलिस्ट काम करता है। तो पहले स्टेप में क्या है, ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है, सुपर ऑक्साइड में जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये कॉपर को, इसको कॉपर ले लेता है, या कॉपर +2 में था या कॉपर 1 में, यानी कि पहले स्टेप में इस O2- का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। कॉपर सिर्फ दो ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर सकता है, +1 एंड +2। और फिर ये जो सुपर ऑक्साइड आयन था यह ऑक्सीजन में बदल जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो रिड्यूस्ड कॉपर था, रिड्यूस्ड कॉपर है ये, जैसा कि मैंने कहा +1 एंड +2 दोनों शो कर सकता है। इस कॉपर ने ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस सुपर ऑक्साइड आयन से लिया था, इस इलेक्ट्रॉन को या दूसरे सुपर ऑक्साइड को आयन, यानी यह भी है सुपर ऑक्साइड आयन है, यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ O2- है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से किस में बदल जाएगा, O2 2- में। इसको कौन सा आयन बोलते हैं, इसको परोक्साइड आयन बोलते हैं, यानी कि यहाँ सुपर ऑक्साइड आयन परोक्साइड में बदल जाएगा। अब ये तो है नहीं कि एनायनिक स्पीसीज में ही रहेगा, जो सिस्टम है उसको हमें न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा, उसके लिए हम 2H+ डालते हैं। तो O2 2- और 2H+ मिलकर परोक्साइड बना देते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, हमने दो सुपर ऑक्साइड आयन के मॉलिक्यूल लिए थे, एक ऊपर लिया था एक नीचे, इसका तो क्या हो गया था ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो गया था रिडक्शन। तो दो लिए हैं, 2H+ लिए थे हमने सिस्टम को न्यूट्रल करने के लिए। अब क्या था, ये जो सुपर ऑक्साइड आयन था ये तो H2O2 में बदल गया था, ये लिख रखा, और ये वाला सुपर ऑक्साइड आयन है इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, ये ऑक्सीजन में बदल गया था। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़रूरी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है और नेट के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो बस हमें ये याद रखनी है, दो सुपर ऑक्साइड आयन लेने हमें, ये जो एक आयन है इसका तो रिडक्शन हो गया है और ये जो दूसरा आयन है इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। थैंक यू।